वही केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। शनिवार को बीजेपी के प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बजट को लेकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जहां केंद्रीय मंत्री श्री मंडाविया ने कहा कि मोदी 3.0 का पहला बजट कैसा है। इस बजट के माध्यम से उनकी सोच दिखती है। पीएम मोदी देश को विकसित बनाने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि 21वीं सदी की ट्रेन समय पर नहीं पहुंच पाई थी, जिसके लिए प्रधानमंत्री ने कहा कि 2047 का लक्ष्य रखा है। कहा कि भारत को विकसित देश बनाना है। देश के लिए विकास के लिए 4 पिलर तय किए गए हैं। युवाओं को रोजगारी चाहिए, इसलिए एम्प्लॉयमेंट और युवा बजट में सेंट्रिक पोजीशन पर है। रोजगार के लिए 1,48,000 एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव पर किया है। वही ईपीएफओ में 12,000 सरकार देगी और 12,000 रुपए एम्प्लॉयर देंगे। मोदी जी ने कहा कि हम 2047 में देश को डेवलप्ड कंट्री बनाएंगे। उसके साथ मोदी जी ने विजन दिया कि हमें देश में 4 जाति का के लिए अहम काम करने की आवश्यकता है और हम करेंगे, तब जाके देश डेवलप्ड कंट्री बनेगा। कौन सी? तो मोदी जी ने कहा गरीब, अन्नदाता, महिला और युवा, ये 4 जाति का विकास होना चाहिए। ये 4 क्षेत्र में जो देश में उसका सशक्तिकरण करा जाएगा, देश डेवलप कंट्री में आगे बढ़ेगा। और उसको देखते हुए जो जब हम अमृत महोत्सव मना रहे थे और उसके बाद का जो भी बजट आया, ये बजट को आप अवलोकन करिए तो ये 4 क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए अहम बजट में प्रावधान किए गए। तो अभी इस बजट में, यानी कि 3.0 मोदी गवर्नमेंट के पहले बजट में, विकसित भारत के स्वप्न को साकार करने के लिए 4 जाति का विकास के लिए 4 पिलर तय करा गया। और 4 पिलर क्या? इतना बड़ा देश है, देश की इमर्जिंग इकोनॉमी है, एक देश दुनिया का सबसे बड़ा युवा कंट्री है, यहां एवरेज आयु हमारी 28 ईयर्स है, दुनिया में कहां भी नहीं है। ये युवाओं को रोजगारी चाहिए, तो इस बजट में युवा और रोजगार दोनों, एम्प्लॉयमेंट और यूथ दोनों, यूथ और एम्प्लॉयमेंट सेंट्रिक बजट है सार। और यूथ को एम्प्लॉयमेंट तब मिलेगा जब उसको स्किलिंग हुआ, इसलिए स्किलिंग के लिए उसमें इस बजट में प्रावधान रखा गया है, व्यवस्था की गई है। और देश में छोटी छोटी इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट, छोटे उद्योग, लघु उद्योग, मीडियम साइज इंडस्ट्रीज, नंबर ऑफ टाइप की देश में विकेंद्रित एमएसएमई का विकास से देश का डेवलपमेंट हो सकता है। तो उसके लिए कई सुविधा, कई व्यवस्था इस बजट में सुनिश्चित की गई है, मैं आपको आगे बताऊंगा। नहीं चाहिए देश में मिडिल क्लास बढ़ रहा है। तो मिडिल, आपने देखा होगा जब देश आजाद हुआ तो देश में नारा था रोटी कपड़ा और मकान। ये नारा अभी पूरा हो गया। अभी रोड, पानी और लाइट, ये भी कई स्टेट में काम पूरा हो चुका है और सारे देश में व्यापक तौर पर हमें सुविधा उपलब्ध करानी है, ताकि देश में मिडिल क्लास की आबादी बढ़े और मिडिल क्लास के जीवन धोरण सुनिश्चित हो और सुखमय हो। उसके लिए भी इस बजट में सुनिश्चितता की गई है। और ये 4 पिलर पर काम करने के लिए मोदी जी ने बजट में 9 प्राथमिकता तय की।